फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही बड़ी न्यूज है, हो सके तो आपके लिए बेनिफिट्स भी होंगे, हो सके तो आपके लिए नुकसानदायक भी होंगे। तो बीएड और डीएलएड के अलग अलग कोर्स को एक ही जगह यानी कि बीएड और डीएलएड कोर्स की मान्यता अब रद्द हो रही है। लेकिन ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ है, होने वाला है। तो चलिए आगे जानते हैं कि अब क्या होने वाला है, यानी कि सरकार का अब क्या इरादा है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और पुराने हैं तो एक लाइक बनता है, वो बस लाइक कर दीजिए और कुछ भी ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और शेयर करने का मन है, आपका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम अब चलते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में किए जा रहे सुधारों एवं नए प्रयोगों की सराहना की है। तो ये तो अभी यूपी में हो रहा है, तो आपके बिहार में भी देखे, दिल्ली का न्यूज था वो, और दिल्ली में टीईटी का उम्र भर जीवन भर का मान्यता किया गया। ठीक कल होकर पेपर में क्या आया कि बिहार में भी अब ऐसा सिस्टम लागू होगा, यानी कि टीईटी की परीक्षा एक बार दोगे और जीवन भर के लिए मान्यता रहेगी। तो सेम उसी तरीके से, तो अभी तो ये यूपी में है तो ये बिहार में भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो देख लीजिए कि आगे अब बदलाव क्या होंगे, चेंजेस क्या होंगे। विभाग ने उत्तर प्रदेश में किए जा रहे सुधारों एवं नए प्रयोगों की सराहना की है। वह गुरुवार को एनसीईआरटी की महासभा की 57वीं बैठक में बोल रहे थे कि वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है जिसमें प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी भी शामिल थे। कक्षा 1 से 10 को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कोर्स एक ही ट्रेनिंग कोर्स होगा, यानी कि पहले क्या होता था कि डीएलएड 1 से 5 तक पढ़ा सकते थे और बीएड है तो 6 से 10 तक आप पढ़ा सकते थे। लेकिन अब यह क्या होगा कि एक ही कोर्स करने की वजह से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि ना तो बीएलएड और ना ही डीएलएड अलग अलग कोर्स बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे बीएड और डीएलएड कोर्स बंद होने वाले हैं, और अपनी बैठक में सुझाव दिया है कि शिक्षक बनने के लिए बीएड और डीएलएड कोर्स को अलग अलग बंद कर दिया जाना चाहिए, इसकी जगह एक ही कोर्स होना चाहिए, यानी कि इसके आधार पर 1 से लेकर 10 तक का अध्यापन कार्य का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने स्नातक के साथ बीएड और 4 वर्षीय कोर्स उचित बताया है। इनके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उच्च सेवा शिक्षा में सेवारत शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन और रिफ्रेशन कोर्स भी चलाने चाहिए, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए रिफ्रेशन कोर्स भी चलाया जाएगा, यानी कि एक रिफ्रेशमेंट के लिए एक कुछ 6 महीने का, कुछ 1 महीने का ऐसा होता कि आपको नए नए टेक्निक्स सिखाए जा सके। और इस तरह बेसिक माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कोर्स है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए डॉक्टर द्विवेदी ने किया है कि विभाग के रूपांतरण में मिशन प्रेरणा लागू किया गया। यह विभाग का फ्लैगशिप कार्यक्रम कक्षा 1 से 5 हिंदी एवं गणित के छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए। अध्यापक एवं क्षमता के संवर्धन पर भी विशेष बल दिया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि निष्ठा कार्यक्रम के तहत 5.75 लाख शिक्षक शिक्षा मंत्रियों के अनुदेशकों की क्षमता वृद्धि के लिए हर जिले में विकास खंड स्तर पर 5 दिवसीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। वर्तमान में शिक्षकों की इस गाइडलाइन प्रणाली से प्रशिक्षण चल रहा है। इसी तरह दीक्षा ऐप पर भी शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए 4000 से अधिक वीडियो विजुअल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। योग्य अध्यापकों में से 4400 एकेडमिक रिसोर्स का पर्सन चयन का करते हुए प्रशिक्षण दिया गया। इससे हमें यह पता चल रहा है कि यानी कि अब बीएड डीएलएड कोर्स बंद हो जाएंगे। लेकिन आप लोग इस न्यूज पर ना रहे, क्योंकि ये न्यूज अभी मान्य नहीं होगा, ऐसा विचार किया जा रहा है। अगर संशोधन हुआ तो बीएड डीएलएड कोर्स दोनों बंद हो जाएंगे, किसी एक प्रकार के कोर्स आएंगे। वैसे भी कब क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता। और ध्यान रहे कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप एक बात याद रखना, उस कॉलेज के बारे में एक बार पता कर लेना कि उस कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, तभी एडमिशन लेना, वरना बीएड में पता चलेगा कि 2 लाख रुपए तो लगाए और फिर उसके बाद सारे के सारे आपके पैसे गायब हो गए। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो।